बड़वानी में निजी बसों के संचालन से पहले प्रशासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन पूरा करने का दावा किया जा रहा था। हकीकत यह सामने आई है कि बसें शुरू होने के बाद कोरोना वायरस से बचने के कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। बड़वानी बस स्टैंड से निकलने वाली बसों सहित अन्य बसों में चालक परिचालक को सुरक्षा नियमों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे चाहते हैं कि बस में सवारियां बैठ जाए। मौके पर यह देखा गया कि बसों में अधिकतर यात्री मास्क तक नहीं लगाए थे, न ही बसों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, जबकि इस संबंध में प्रशासन और शासन के सख्त आदेश हैं कि बस में यात्रा करते समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना बस संचालकों की जिम्मेदारी है और यात्रियों को भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। एक्चुअली क्या है, कुल मिलाकर हम लोग भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ हो, लेकिन अब कोई पैसेंजर जबरदस्ती मानते ही नहीं कि नहीं हम यहीं खड़ेंगे यहीं बैठेंगे, तो भी हम उसको झगड़ा तो नहीं कर सकते, उसको वो तो नहीं कर सकते ना। यदि हम कोई बोलने जाते उसको तो घर से हमारी शिकायत कर देता वो। मास्क लगाने का भी हम बोल रहे हैं, मास्क भी हमारी गाड़ी में सब अवेलेबल है, लेकिन अब कोई को जिसके पास मास्क नहीं है उसको हम दे देते, लेकिन अब वो कोई लगाना नहीं चाहे उसके लिए हम कोई कर ही नहीं सकते ना। वो अपने उनको बोलो तो वो झगड़ा करते हैं अपने से, तुमको क्या लेना देना इस चीज़ से। वो तो स्वयं की जिम्मेदारी है ना, ये पालन नहीं हो पा रहा है, भारी संख्या में भीड़ भड़क का हो रहा है। हाँ, ये देखने में आया है बस स्टेशन पे बसों में अगर नज़र डाले तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए सरकार और प्रशासन को मिल के कुछ न कुछ कार्रवाई सख्ती दिखाना चाहिए। यदि बस वालों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने में कहाँ परेशानी आ रही है उनसे बात करें, उनको सामग्री उपलब्ध करवाए। अगर बात की जाए किराए की तो बसों को उसका खर्चा नहीं निकाल पा रहा है, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उन बस मालिकों को कुछ भी राहत प्रदान करे इसमें। अभी क्या कंडीशन है बसों की? बसों की कंडीशन ऐसी है कि सवारियां मिल रही है, मुश्किल से मिल रही है, लेकिन कहीं पे बसों में बहुत ज़्यादा सवारी है, तो उसको प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि इसमें ध्यान दिया जाए। हमने कई बसों पे देखा मास्क नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो प्रशासन ने बसों में उपलब्ध करवाना चाहिए, जिसको पास नहीं है उसको निःशुल्क दिया जाए उस यात्री को, तो कहीं ना कहीं तक कोरोना जैसा संक्रमण रुक सकता है। क्या कहोगे इसको लेकर आप? इसको लेकर यही है कि प्रशासन इस पर सख्ती करे, बसों की जाँच करे, कहाँ क्या परेशानी आ रही है, बस मालिकों उनके साथ तालमेल बिठाए, और अगर बस मालिकों को घटा जा रहा है तो प्रशासन इस पर वो करे। इसको लेकर क्या क्या बसों में व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए? कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइन WHO ने जारी की गई है, क्या क्या सुरक्षा प्रबंधन करना चाहिए, उसके लिए सैनिटाइजर है, मास्क है, और सोशल डिस्टेंसिंग, एक सीट पर एक सवारी। और अगर ये बस में मास्क, सैनिटाइजर और एक सीट पर एक सवारी, अगर प्रशासन इसको सख्ती से पालन करवाएगा तो बहुत हद तक कोरोना संक्रमण करने से बचा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।